सुप्रत आम समस्ते जाचे एंतुड़ीशाड़ जुईगाड़ पर्यंत प्रलंबित जीवन यात्रा मध्य रोग अवश्यम भावे शैशवर वार्धक्य पर्यंत जेकोसी अवस्था होपे रोग किंतु ताद कर्कट रोग होता है तेज कथा सरला रोगी मन में भय संचार हुए आय परिजन चिंता बढ़ी जाए यही रोग कौन भल हे ना नहीं या कोई मनरे सृष्टि हुए सन्देह कथा बेलभूम सतर्क और सचेतन होगा आवश्यक यह कर्कट रोगी मनोबल वृद्धि करने आरोग्य लाभ करकटजयी मान प्रत जून मस प्रथम रविवार को जितिय कर्कटजयी दिवस भाव में पालन कराए तेरे कर्कट रोग और तार बहुविध चिकित्सा को नहीं आज आम स्वतंत्र आलोचना निरामय कार्यक्रम कर्कट रोग और यार सफल चिकित्सा ए संपर्क आलोचना करने आज आम सहित स्टूडियो अच्छा स्पर्श हॉस्पिटल कर्कट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश सुबुद्धि गणेश सर आप स्वागत स्टूडियो को प्रथम आप जानापे चाहिए जो दिवस या कहीं पालन कराए से संपर्क कहतु आम जब हिस्ट्री इतिहास को जी तेल 1987 नवेम्बर 20 रे मेरिल हास्टिंग्स कहीं जन लोक न्यू मेक्सिको यूनाइटेड स्टेट रे डिक्लेयर करते कि जून रो फास्ट संडे एवरी जून फास्ट संडे से सेलिब्रेट करेंगे कहीं वाइफ प्रिस्सिला ब्रेटन से अराउंड से 1980s रे गोटे कैंसर रे पीड़ित थे से अराउंड 2005 डेथ है बट गोटे प्रोलॉन्ग गोटे लंबा लाइफ बंची थे तो सी गोटे कैंसर सर्वाइवर तो सी 1980s से डिक्लेयर कर 1988 जून फास्ट संडे रे फास्ट आमर कैंसर सर्वाइवर डे पालन होता आज बर्तमान 35th कैंसर सर्वाइवर डे तो मैंने 35 वर्ष धरी दिवस पालन चलती एवं जो माने कर्कट उपरे विजय लाभ करिसेंती उत्सर्गीकृत ये दिन टी सर आम टे कैंसर संपर्क आलोचना करवा कर्कट रोग संपर्क आलोचना करवा कर्कट रोग कौन आर कौन प्रकार भेद रही महिला एवं पुरुष रोग किभली भिन्न ये संपर्क टी प्रारंभिक धारणा दिखाँ ओडिया रे कहले आम कर्कट रोग इंग्लीश रे ताको कैंसर किंबा आम बेटर बेले बेले पेसेंट सामना रे कैंसर न कही आम मालिग्नेंसी मालिग्नेंट ट्यूमर से टाइप आम वार्ड यूज करूँ अच्छा तो जदि कौनसी जगह आम गोटे नॉर्मल मनुष्य आम आमर जमीती भी आम अच्छु कहीं दैट इज कंट्रोल ग्रोथ तो से आम सब स्ट्रक्चर गोटे ठीक भाव एंड ठीक भाव फंक्शन कर ग्रोथ जो मैंने जो गोटे जिन बढ़ला जदि सस्टेन एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ताल से कैंसर भाव से गोटे हुए ट्यूमर भाव कैसे बेले बेले बिनाइन हुए गोटे स्लो ग्रोथ हो पाए बेले बेले बहुत रैपिडली ग्रोथ करे अच्छा तो अनुसार आमको किसी सिम्टम्स मिले महिला मान पुरुष अलग अलग प्रकार डिजीज जो होता है कैंसर होता है से संपर्क टे कम महिला आम भारत में महिला कैंसर अधिका कंपेरेटिवली पुरुष महिला स्तन मान ब्रेस्ट कैंसर सेकेंड हूँ सर्विक्स यूटरस मान जो जन्म रास्ता यूटरस ये से जगह हुए अन्य बाकी ओवरी रे कैंसर हुए आउ कोलोरेक्टल एंड लिप से गुड़ा ये भाया हुए फीमेल रे महिला आउ पुरुषंकर आमर हुए मेन लिप एंड ओराल कैविटी जोड़ा कि टोबाको जो हुए तापर लंग्स आसे स्टोमाक कोलोन कोलोन अंतस्थल कोलोरेक्टल आउ ये चार पांचटा कैंसर हुए मोस्ट कमन मेल रो एंड मोस्ट कमन फीमेल रो एगुडा सब कहली आप सर साधारण तो को प्रकार कैंसर अधिक हुए अधिका वर्तमान आमर जमती कहली फीमेल रे ब्रेस्ट कैंसर है मेल रे लिप एंड ओरल कैविटी मैंने पैट्रिक कैंसर है युवाक अधिका हुए अच्छा कि मैंने खाद्य रास्ता गुड़ा कही पारे फुसफुस कही पारे युवक अधिक कैंसर हुए सर मुख्यतः तो को कारण जो कैंसर भली दुरारोग्य रोग होता है कैंसर बहुत गुड कारण अच्छी जोड़ा आम दे देर एवोडेबल कजेस एंड नॉन एवोडेबल कजेस अच्छा एवोडेबल कजेस रे जोड़ा आसे से गुड़ा आम आम हाथ में अच्छी से गुड़ा आम कंसंट्रेट करवा एवोडेबल कजेस रे आसला आम स्मोकिंग
बा आमे जो सिगरेट बीड़ी एगुड़ा सब नौ भांग जो ओडिशा रे सब चलछि गंजे ए सब आउ ओ खैनी हो गुटका हो पाइन एगुड़ा सब गुंडी हो गुड़ाखू ए सब होछि माने कोन गले पेट रे कैंसर हुए टोबाको जो हुए आउ अल्कोहल माने मद जो माने पियंती ओडिशा रे सी माने स्मोकिंग एंड अल्कोहल बहुत अधिक कंपैरेटिवली अन्य स्टेट अराउंड 40-60% केसेस लोक माने पियुचंती एडा बहुत आपत्तिजनक ये हमको आम आमको ध्यान देवा पड़ो आम सरकार को ध्यान देवा निज को ध्यान देवा पड़ो आज्ञा तो मोट उपरे कहवा को गले तंबाखुर व्यापक व्यवहार जुगु बहुत लोक कर्कट रोग पड़ुछन्ती विशेष करी मुख गह्वर कर्कट एवं शरीर अन्यन्य अंगर मध्य कर्कट रोग व कैंसर होबार आशंका थाए तंबाखुर व्यवहार जुगु सर पुरुष मानकर जो शरीर रे मुख्यतः देखा जाउथिबा कर्कट रोग संपर्क जहां आपण सूचना देले तार सब कोन लक्षण हेतै पुरुष रे आमे दीटा मेन कैंसर विषय रे डिस्कशन कर परिबा बे तो मेन हूँ गोटे लिप एंड पार्टी रोग कैंसर सेकेंड हूँ लंग्स कैंसर फुसफुस कैंसर तो ये कैंसर विषय कौन क्वेश्चन पचार कौन कौन सब लक्षण हो पारे हाँ लक्षण लक्षण पार्टी कैंसर है पार्टी से घा हो पार ब्लीडिंग प्रथम तो स्टार्टिंग एक्चुअली ल्यूकोप्लाकिया कह गए प्लेक आसे एरिथ्रोप्लाकिया नेक्स्ट स्टेप रेड डिस्कलरेशन हुए थर्ड हूँ कि गोटे घा टाइप हुए जोटा कि मानने ठीक हुए से कंटिन्यूस जाए चले टोबाकोटा बहुत दीटा प्रोब्लम करे एक तो हूँ आहा कज भी करे तो टोबाको खाइले भी बेले बेले ना पेनटा भी जना पड़े नहीं तो लोक बहुत लेट स्टेज आसती इंडिया रे एंड फॉरेन कंट्री से डिफरेंस से लेट स्टेज आसती सेमती फुसफुस रही मानने टीबी जो भाई सिमटम से भाला मोरलेस सिमटम ही हुए काश कफ मानने श्वास रोग मानने श्वास बढ़िया कफरे ब्लड पड़वा यह सब गुड़ाक हुए बाकी अन्य कैंसर मानने जो जगार कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर जमी ब्लीडिंग हो पार कला झड़ा हो पार एगुड़ापे परिश्रे ओल्ड लोकर जो हुए प्रोस्टेनिया ब्लाडर कैंसर से परिश्रे ब्लड मानने लाल परिश्रा आसपे ये लिभर कैंसर है जंडिस सब मानने जो जगार कैंसर ता अनुसार तार जो फंक्शन अनुसार सिम्टम्स आज्ञा महिला मानकर जदि आम मोस्टली जो आप कह ब्रेस्ट कैंसर जरायु कर्कट ये क्षेत्र में कौन कौन सिम्टम्स लक्षण प्रकाश पाई आमर यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर रे सब महिला मान ध्यान देवा कथा से 35-40 है मैंने निजर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे अच्छा। तो ब्रेस्ट रे कौन कौन हो पार चेंजेस नॉर्मल ब्रेस्ट जो जानते निजर तो से समथिंग अबनॉर्मल से निजे जापरेंगे जमी किसी कलर चेंज है रेड कलर है कि ब्लड डिस्चार्ज है व्हाइट डिस्चार्ज है कि मांस गोटे बढ़ला गोटे गोटा भाया बढ़ला यूजुअल पेन एसोसिएट हुए नी भारत रे प्रॉब्लम हुए कि पेन हेले ही डॉक्टर पांग जिबे जेते बळे कांजे होते निजर पर्सनल ये कवर रे थाए तो यूजुअली से जपन पेन हुए ने आसन देनी तो ब्रेस्ट कैंसर गड एली ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल थाए बट भारत रे ये प्रॉब्लम हुए कि ओडिशा रे प्रॉब्लम ये हुए कि जे माने अधिक बढ़ला स्टेट बहुत देखी चाहिए मानने सरकार विजु कल्याण सुस्वास्थ्य कल्याण समय ये कर बहुत सुविधा है इवेन ब्रेस्ट रे घा पोक आसला बहुत लोग आस तो बहुत सही समय क्योर कर अवस्था न था अच्छा तर मोट उपर जहाँ लक्ष्य आपंज महिला मान क्षेत्र में जो बड़े कैंसर होने लज्जा जो हो सामाजिक समस्या अंधविश्वास जो हो सेमाने ठीक समय रे लक्षण प्रकाश पाइले सेमाने आसुना चेकअप पाई जहाँफल स्टेज पर स्टेज बढ़ी चलुच रोग एवं क्रिटिकल हेला परे ही पेशेंट जाके आपण पाख आसुछन्ते तो एक क्षेत्र विशेष भाव सचेतनतार आवश्यकता निश्चय रही है तेरे सर लक्षण प्रकाश पाइले को टेस्ट करा दरकार टेस्ट गुड़ा भी एक्चुअली प्रथम हूँ कथा कि आमर एमती अवस्था अच्छी जे मानने लोक कैंसर मैंने डरती तो डरते से मैंने एक्चुअली से मैंने कैंसर विशेषज्ञ पाखक ही आसवाप डरती तो लोकंर प्रथम डर कमिया कथा कहीं डर न कमिले से एर्ली स्टेज आसबेनि तो स्टेज अनुसार एंड कैंसर स्पेसिफिक अनुसार
टेस्ट आरंभ टेस्ट हुए तो सिंपल ब्लड टेस्ट रु आनी कर जेंति लिम्फोमा वाला किंबा ब्लड कैंसर वाला ब्लड टेस्ट रु बहुत जिंस जानि जाना पड़ी जे तार सेतर किछि पैरामीटर अछि जोथरे कि आमे जानि परु कि जे हां एटा ए टाइप रो जिंस बडा जेंति जॉन्डिस हेले कि लिवर कैंसर आबे कि गल ब्लैडर कैंसर आमे फेक परिबो कि एडवांस स्टेज रे अछि बाबे किंबा तार गोटे फैक्टर एएलपी बोलले कि रोगडा बढी कि बोन को जाई छि फेक परिया तो सिंपल ब्लड टेस्ट में मध्ये हे आमे जानि परिया माने यूरिया क्रिएटिन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन माने कमी होला क्रिएटिन बढ़ी गला कैल्शियम बढ़ी गला तो ता अनुसार इधर मल्टीपल माइलोमा कहीं बोन रोड डिजीज ओल्ड एज रुए से जान पारे कि परिसर लाल लेला कि यूरिन ब्लडर कैंसर कि प्रोस्टेट कैंसर से जान पारे तो सिंपल ब्लड टेस्ट रु आरंभ हुए तापर सब्सिक्वेंटली से स्पेसिफिक अनुसार अल्ट्रासाउंड करेंगे कि सीटी स्कैन करेंगे कि एमआरआई करेंगे मोर अर लेस ये प्राय जना पड़ जाए अधिकार अधिका आमको किसी लिम्फोमा कि आम जानवा कि ना रोगटा बेस बढ़ी कि ना आगे आम क्यूरेबुल अच्छी ना जाना गले पेट सीट करा पड़े से सुविधा ओडिशा रे अच्छी अच्छा यार चिकित्सा केमिति स्थिर करा जाए स्टेज अनुसार ट्रीटमेंट डिसाइड करा जाए ना कि भली ट्रीटमेंट डिसीजन केमिति निया जाए ट्रीटमेंट डिसीजन भी स्टेज माने एक टाइप ऑफ माने कोट ओरिजिन ऑफ कैंसर ता अनुसार स्टेज अनुसार एंड से स्टेज इवेन बायोलॉजी अनुसार इवेन गोटे ब्रेस्ट कैंसर भी आम धरवा तो ब्रेस्ट कैंसर को खाली आम खाली स्टेज भी फाइव ब्रेस्ट कैंसर तीन टा चार टाइप रोच लुमिनाल ए लुमिनाल बी हॉट टू रिच टीएनबीसी इन चार टाइप रोच तो अनुसार ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाए अच्छा अच्छा सर साधारण तो जो आम जानी ऑपरेशन करा जाए बा केमो दिया जाए यही ट्रीटमेंट के स्थित आवश्यक पड़े हाँ आमे किमो किंबा किमो कौन कहले ऑपरेशन तो आमर कैंसर तीन टा मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट फर्स्ट हो सर्जरी सेकेंड हो रेडिएशन थर्ड हो किमो तो तीन टा जाक इम्पोर्टेंस अच्छी तीन टा जाक क्यूरेबल स्टेट में यूज कर फॉर एग्जांपल सर्जरी यदि है तो एर्ली ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हो पारे किंतु आज का डेट रे एर्ली ब्रेस्ट कैंसर में टाइप्स ऊपर डिपेंड करे मुझे जिन कहते जमी टीएनबीसी टू सेंटीमीटर रु जब अधिक आएगा से ट्यूमरटा से आम किमो देवा पड़े तो आम बेले बेले आम मान कैंसर मैंने एक्चुअली कह गए जो भी हो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मो जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को आसा कथा सर्जरी किंबा रेडिएशन पूर्व पेशेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को आसा कथा कहीं आम यूजुअली तीन टाक देखिकी डिस्कशन करूँ यूजुअली आम ट्यूमर बोर्ड हुए सर्जरी आउ रेडिएशन आउ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट किमो स्पेशलिस्ट ये तीन टाक मिसिक डिसाइड करले आम अनुसार पेशेंट को ट्रीट करा जाए आज्ञा सर बहुत समय रे आम दर्शक मान मन साधारण लोक मान मन प्रश्न थाए जे कैंसर रो संपूर्ण भाव चिकित्सा संभव नुहे बा कैंसर ट्रीटमेंट हेले जीवन गला बोली बहुत लोग धरी ए भूल धारणा लोक मन में कहीं रही कि दूर कर कैंसर पूर्व मुझे कह लोक हेल्थ प्रति ही लोकों सजगता नहीं लोक आज का डेट में मोर ये कैरियर 10-12 इयर्स कैरियर 15 इयर्स कैरियर भितर मुझे लूज मोशन डायरिया मैलेरिया लोक डेथ हबार देखी तो यहाँ बहुत इवेन यंग लोक 25 वर्ष 30 वर्ष लूज मोशन डायरिया ये देखी आम कैंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन कौन थी मुझे पचारूरेबल कि नहीं कि क्यूरेबल मैंने कैंसर क्यूरेबल जदि एर्ली स्टेज आसवा भारत में अगर भितर फरक हो कि एर्ली स्टेज मैंने भारत में एर्ली स्टेज आसबेन लेट स्टेज लेट कर सब कह पैसा पत्र जोगाड़ कर सब किसी डरवे सब प्रकार लोक घर भितर जन खासकर महिला लोक मैंने महिला लोक मैंने घर अन्य ट्रीटमेंट हो महिला लोक ट्रीटमेंट हो आम पर लेट करवा तो यही सब गुड़ाक हुए प्रॉब्लम हुए अर्ली डिटेक्शन न होगा फल ठीक समय जितेबाला रोग चिन्हट न होती रोग बढ़ी बढ़ी चलुच्चे जिते बड़े रोग स्टेज 3-4 रे आसी पहुँचुची से आसुच्च जेहेतु पेसेंट तो मृत्यु हार अधिक रोचे सर बड़ फैक्टर हूँ जो ये रोग हो जड़े व्यक्ति जानुंत रोगीटी तार रोग संपर्क स्थिर निश्चित होती टेस्ट फल से मानसिक भाव बहुत भांगी पड़ती
परिवार रो जदि सपोर्ट न मिलला ताले बड़ असुविधा हुए गोटे सामाजिक समस्या एटा आमे कह जाई परिबो आमे कहि परिबा केते सपोर्ट दरकार मेंटली एवं फिनान्सीआली मध्ये कारण एहा गोटे व्ययबहुल चिकित्सा ए संपर्क रे आपण कोन कहबे मेंटली सपोर्ट तो निहाती दरकार आमर फाइनेंशियल पई एते आउ प्रॉब्लम होनी कारणा बिजु स्वास्थ्य कल्याण हो सर म आपण टिके अटकेबी मु ए संपर्क रे आपण को प्रश्न पुनथर करबी संतोष आमको फोन करछन बडंबारु तांको टेलीफोन कॉल नै जिबा तांकर किछि प्रश्न अछि संतोष बाबू प्रश्न पचारंतु संतोष बाबू सुनि पारछन जे प्रश्न पचारंतु हेलो नमस्कार सर नमस्कार प्रश्न कोंतु सर मो सान भाई बयस 55 तर ब्रेस्ट कैंसर हला तर ब्रेस्ट कैंसर हला तगो ऑपरेशन भी कर देलु आ डॉक्टर कहले ग्रेड 2 रे अपन दि मोर हम को दीटा बाहला एफएनसी रे आ से कहले जे एटा हो जी ग्रेड 2 रे अछि आ तगो ऑपरेशन कर देला प्लस केमोथेरापी नेला आगे नेला परे बर्तन अवश्य केमोथेरापी कंप्लीट आगे तब लाइट भी पड़ला लाइट अच्छा बोले लाइट 13टा पकी छिन बोले 13टा प्रश्न कोन कोंतु जे बर्तन 3 मास से डॉक्टर कहिसेंती 3 मास परे फोन चेक करिवे माने हम हरिहर आचार्य हरिहर हम चेक करथुलु आगे या परे कोन आउ हम चिकित्सा नबु सर परामर्श दियन पुरुष मान को ब्रेस्ट कैंसर इटा गोटे मध्य आलोचना करिवा विषय गोटे माने जीन कइ गोटे ब्राका जीन कइ गोटे जीन अछि जो ब्राका 1 एंड 2 से इतरे मेल रे मध्य ब्राका 2 मेनली मेल ब्रेस्ट कैंसर हे पारे अच्छा तो अंकर जो कहले इथे हम टिके ग्रेड 2 अपे के जदी क्वेश्चन हम आंसर पछर बिरे तंको निश्चय पछर छन जे तंको एडवाइस कोन तंको एक्चुअली कोन कहले एठी से हमको इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन देले त ग्रेड 2 मेन होच कुछ टेस्ट आउच इंपोर्टेंट अच्छा किंतु मु देति के देखिल के ऑपरेशन ने संतोष बाबू लाइन रे अछंत कि आपण आपण कर स्टेज संपर्क के सूचना दे परिबे हां डॉक्टर हम कहले जे सेथरे कोन जदी गोटी एक गोटी थांदा ताहले सेटा को ग्रेड 1 कहा जाबो आ 2टा 14टा स्टेज आपण को कहिछंत कि को स्टेज रे अछि कहिछंत कि डॉक्टर स्टेज कहले स्टेज को जाईनी ग्रेड रे अछि एक कथा कहिले डॉक्टर सर एक्चुअली एटी इनकंप्लीट एबे भी तंग पारी अछि तो एक्चुअली कहे गेले स्टेज अनुसार डिपेंड करे मेल ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली कोंगल हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर थाए अन्य रिसेप्टर माने जिन हार्मोन नेगेटिव किबा हर2 नेगेटिव कैंसर यूजुअली न थाए तो सेत पई अंकर एक्चुअल को स्टेज एंड को बायोलॉजी फॉर एग्जांपल रेडिएशन हो कीमो हो एगुडा को जेतेबेले दरकार पड़ले ठीक पड़े कि कने स्टेज स्टडी अधिक थाई निश्चय जेतेबेले संतोष बाबू आपण कहउचंती आपण को रेडिएशन ट्रीटमेंट हेजी त निश्चय स्टेज को जाईथिबो त आपण ठीके निजर विशेषज्ञ जे आपण को चिकित्सा करचंती तांके सते आउ ठीके परामर्श करंतु सर आमे आलोचना को पुनथर फेरिबा वर्तमान समय हिच कार्यक्रम रे गुटी छोटो विज्ञापन बिरतिरा The right people, the right experience, the right place for healthcare. Sparsh Hospital, the best multi-specialty hospital in Odisha. Many think cancer has no answer, but at Sparsh Hospitals, cancer has an answer. Sparsh Hospitals and critical care. विरति पर पुणे आपन को निरामय कार्यक्रम को स्वागत आज आम आलोचना करे कर्कट रोग यार सफल चिकित्सा संपर्क में आम सहित विशेषज्ञ भाव स्टूडियो अच्छा स्पोर्ट्स हॉस्पिटल रो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर गणेश सुबुद्धि डॉक्टर सुबुद्धि मुझे ब्रेक पूर्व प्रश्न करी जे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो परिवार एवं समाज एवं चिकित्सा करुवा विशेषज्ञ जो मानसिक बल दबार अच्छे रोगी को से संपर्क तार गुरुत्व संपर्क देखते हैं टर्म कैंसर सुनला माने पेशेंट एक्चुअली बहुत भांगी पड़ी था तो बेले बेले आमको कैंसर पेशेंट तंको अटेंडेंट मान कोंति कि सर तंको कैंसर कोहुंतुनी बट आमे तंको कहू कि तंको जणा दरकार कारण ता अनुसार कैंसर स्टेज कैंसर एंड कैंसर स्टेज अनुसार तंको जहा भी ट्रीटमेंट जो भी आमे भाबिया लाइफ स्पैन तंको अनुसार से प्लान करि परिबे तो तंकर राइट्स थाए तो से जानिबा दरकार
आउ कोन कर क्वेश्चन आउ थरे सपोर्ट रो कथा हम क्वेश्चन नै जीवा सर हम गोट कॉल आछु ओल्ड टाउन रो प्रदीप साहु फोन कर छथि प्रदीप बाबू प्रश्न पचारंत सुडा सुडा प्रदीप बाबू प्रश्न करंत हेलो हां सुनु छथि डॉक्टर प्रश्न करंत सर मो प्रदीप कुमार साहु कहू छी आज्ञा आउ ओल्ड टाउन रो मो मित्र शंकर 2011 मसिया रे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हला तो ताकु आमे सर्जरी करलु सर्जरी करबा परे दसटा बाहर मान आग गोटे गेटा जना पड़ा दसटा गेटा बाहर दसटा ट्यूमर बाहर गोटे ट्यूमर कैंसर बाहर बुझे तो बर्तमान आम केमो नेलु केमो नाला बर्तमान मेडिसिन चलती टामोक्सिफेन दस दस वर्ष चली तो मेन कथा पीरियड सारा बंद हो गला केमो सेकेंड केमो नाला বর্তমান পর্যন্ত সেটা মানে পিরিয়ড হওনি কিন্তু আর কিছু প্রবলেম না তথাপি আমি চেক আপ করছি করোনা পর্যন্ত যাইতে চেক আপ করিব করোনা চেক আপ করিব কিন্তু প্রথম সব ফিট এন্ড ফাইন স্যার বয়স কত তাঙ্কর তাঙ্কর বর্তমান বয়স স্যার 45 আচ্ছা 45 অ্যাকচুয়ালি ইয়ং ফিমেল তাঙ্কু ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে তো দশটা গোটে টিউমর যে কোচেন সে তাঙ্ক অনুসারে তো অবভিয়াসলি বহুত মানে স্টেজ অনুসারে অধিকা থিলা আউ যেহেতু এমে সে কহিলে কি টামোক্সিফেন চালছি তা অর্থ সে হরমোন ইআরপিআর পজিটিভ থিব সে সেইপাই টামোক্সিফেন দিয়া হচ্ছে তো পিরিয়ড অ্যাকচুয়ালি কিমো পর ইউজুয়ালি বন্ধ হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি পিরিয়ড ন আসিবাটা হি ভালো हैला पीरियड पे व्यस्त हवा दरकार ना यंग फीमेल तो भावती कि पीरियड बयसरे बहुत टेंशन नियंती कि मोर हलानी असुविधा कौन है तो यूजुअली कीमो देला रिप्रोडक्शन ने हम्पर करे एंड पीरियड्स बंद हो जाए तो पीरियड पे व्यस्त होतनी एंड टामोक्सिफेन जदि चली से कंट्रोल अच्छी तो भल पीरियड न आसले भल पीरियड आसले आउ थे आम भाव कि मानने हरमोनटा आक्टिव होता अनुसार हमको आगो को भाव पड़े तो पीरियड पे व्यस्त हवा दरकार नहीं हाँ सर मुझको प्रश्न पचार लोक सपोर्ट गुरुत्व था तो पेसेंट रटेडेन्ट मैंने डिजीज टू स्टार्ट डायग्नोसीस टू हवा पर डायग्नोसीस जनवा कमी तो से मेन्टाल से भागि पड़ा धीरे धीरे कमी आम जनवा प्रिपेयर करवा सबुठ इम्पोर्टेंट फाइट करने रेडी कर कहीं पेसेंट को आम ट्रिटमेंट दवा पेसेंट जब मेन्टाली स्टेबुल नेडी नमें ट्रिटमेंट दे पारे सेकेंड नेक्स्ट डायग्नोसीस नेक्स्ट आम आसीगला ट्रिटमेंट पार्ट तो ट्रिटमेंट पार्ट है ट्रिटमेंट कौन ट्रिटमेंट दवा कौन डिसाइड कले अनुसार साइड इफेक्ट्स कौन प्रोफाइल है तो साइड इफेक्ट आउ तार फूड इनटेक यूजुअली कैंसर गोटे कैटाबोलिक डिजीज तो कैटाबोलिक डिजीज है प्रॉब्लम कौन हुए ना रोग मैंने कैंसर एक तो रोग जो कि पोजिशन मैंने जो भी अच्छी अनुसार सिम्टम दिए आउ किसीटा फैक्टर्स रिलीज कर जो आपेटाइट कमी जाए तो आमको जब पेसेंट जब खाइबा बंद कर दिए प्रॉब्लम कौन हुए ना सी साइड इफेक्ट्स टे बढ़ी जाए एंड ओबियसली कैंसर फाइट रे प्रॉब्लम हुए तो आउ खाया रुचि कमी जाए जेतु तो आम प्रति दि घंटे कि खाया दबा तो मोटिवेट करवा आउ गए ये कैंसरटा गोटे न्यू नॉर्मल हिसाब से भाव तो कैंसर भी तो टाइप अच्छे आम सिंपल आम क्यूरेबल मैलिग्नेस कहते अर्ली स्टेज जब आसी तो ओबियसली क्योर हो टेस्टिकुलर कैंसर अच्छे सपोर्ट दबार सब सब टाइप रो स्टेज अनुसार आउ को डिजीज अनुसार से अनुसार सपोर्ट देले से आम करिपरियो निश्चय सर आजिकाली आम देखा मिले बहुत ट्रीटमेंट फैसिलिटी ओडिशा रे बा आम राज्य मध्य उपलब्ध हो गला तो बाहर को ट्रीटमेंट पाई जीवार आवश्यकता प्राय ना ए संपर्क रे ओडिशा रे ट्रीटमेंट फैसिलिटी संपर्क रे टिके आपण आलोचना करू मो मोर माने रेसिडेंसी राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली रे करतली एबे तापरे डिग्री मोर धर्मशाला नारायण कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करतली बर्तमान ओडिशा आसी तो ओबियसली मु जानिछि कि जे कोन कोन माने एडवांस फैसिलिटी दिल्ली रे अछि आमर कोन अछि तो मतलब लागुनि कि जे बेसी किछि माने वी आर लैकिंग एनीथिंग तो इन एवरी फील्ड माने आमे अच्छु तो आम एंड एव्री ड्रग्स आर एवेलेबल रेडिएशन भल मेसीन अच्छी आम ओडिशा रे किमो सब मेडिसिन आसुची वर्ल्ड रे व्हाटएवर एवेलेबल से मिलुची
ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇଠି ବେଷ୍ଟ ସର୍ଜନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବେଷ୍ଟ ସର୍ଜନ୍ ମାନେ ବେଳେବେଳେ କି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେମିତି ରାଜେଶ ପାଡ଼ିଶା ସର୍ଜନ୍ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍, ସେ ବହୁତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ବାକି ସର୍ଜରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲ ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଫେସିଲିଟି ରେଡିଏସନ୍ ବି ଭଲ ଲିନାକ୍ ଫେସିଲିଟି ଅଛି କି ମୋର ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଥେରାପି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଥ୍ରୋରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିନିମମ୍ ମାନେ ବେସିକ୍ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କିଛିଟା ଯେଉଁଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଫେସିଲିଟି କିଛି କିଛି ଥାଏ ସେ ମାନେ ଡ୍ରଗ୍ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର କ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଇଏ ଥାଏ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସେ ବେସିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିନିମମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଲସୋ ଆଭେଲେବୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। କଲ୍ୟାଣ ପତି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର। କଲ୍ୟାଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରାୟ 20-22 ବର୍ଷ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେବେଠୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ମାନେ ଗୋଡ଼ି ରକମର ବାହାରିଛି, ଏବେ 47 ବର୍ଷ। ଆଉ ସେ କିଛି ଆଜ୍ଞା 48 ତ ହଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହଉନାହିଁ ଆଉ କି ବଢୁନାହିଁ କମୁନାହିଁ ସେମିତି ରହିଛି, ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ କରାଯିବ? ବେସିକାଲି ଯଦି ବଢୁନି ତ ମେ ବି ବିନାଇନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇପାରେ, ଫାଇଲୋଡ଼ସ ଟାଇମର ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁମର ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ବଢ଼େ ବି ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 35-40 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିଦେବା କଥା, ବ୍ରେଷ୍ଟ ମାମୋଗ୍ରାଫି କରିବା କଥା। ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେଣି ବ୍ରେଷ୍ଟର ମାମୋଗ୍ରାଫି ନହେଲେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା କଥା। ଆପଣ ଏଦର ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ନହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିକରି ଆପଣ ବାୟୋଲେଟ୍ରାଲ ମାମୋଗ୍ରାଫି କରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଆମେ ତାର FNAC କରିବା, ଯଦି FNAC ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେହେତୁ ସ୍ଲୋ ମାନେ ବଢ଼ୁନି ଆମେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିପାରିବା, ଅର୍ ଯଦି ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଜରୀ କରି ବାହାର କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ। କଲ୍ୟାଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ ନିହାତି ଦରକାର, ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ଡେରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ହୁଏତ ନହିଥାଇପାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୁବୁଦ୍ଧି, ଆସିଲେ ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଏବଂ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମ ସହିତ ରହିଲେ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଚେତନତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଏମିତିଆ ରୋଗ ଯାହାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତାହା ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ମନରେ ଭୟ ରହିଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ନିରାମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବାର ସମୟ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ। ନମସ୍କାର। The right people, the right experience, the right place for healthcare. Sparsh Hospital, the best multi-specialty hospital in Odisha. Many think cancer has no answer, but at Sparsh Hospitals, cancer has an answer. Sparsh Hospitals and Critical Care. ଗତକାଲି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିବା ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ, ସେଇ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜସ୍ୱ ମାମଲା ବୋଲି କହି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା ଲଗାଇଲେ ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ
ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହଲରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଆଇ ସପୋର୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସ ବୋଲି ଲେଖି ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିବାଦ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇ ସପୋର୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଖବରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଯାଇଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଇଏ ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏବଂ ଆଜି ତାକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯାଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ନା, ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କ ପିଟିସନ ଉପରେ, ତାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ମାଲିକାନା ନଥିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, କି ସେଠି କେଉଁ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଜମିଜମା ପାଇଁ ସେଠି ସେ ପୁରୀରେ ସେ କଥା କରିନଥିଲେ। ସେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବା 4.5 କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ନେଇକି ସେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ବିଚାର କଲେ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ପାଦ